नई दिल्ली में G20 लीडर समिट शुरू हो गया है और इस मौके पर हम आपका परिचय करा रहे हैं G20 के सदस्यों। आज कहानी रूस की। पहले नक्शेबाजी पे आते हैं। रूस पूर्वी यूरोप से लेकर उत्तरी एशिया तक फैला हुआ है। एरिया के लिहाज से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 1,70,98,224 वर्ग किलोमीटर है। इसके दक्षिण पूर्व में पड़ता है ओखोस्टोक का समुद्र और इसके जस्ट नीचे पड़ेगा जापान। पूर्व में है ईस्ट साइबेरियन समुद्र, उत्तर पूर्व में है कारा समुद्र, इसके उत्तर में है आर्कटिक महासागर और इसके पूर्व में है प्रशांत महासागर। रूस की लैंड बाउंड्रीज माने वो रेखाएं जो रूस और पड़ोसी देशों की ज़मीन को अलग करती हैं, वो 22,407 किलोमीटर लंबी हैं। बड़ा देश है। वहीं दूसरी तरफ रूस की समुद्री सीमाएं जो हैं 37,000 किलोमीटर लंबी हैं। इसके अलावा रूस की सीमाएं 14 देशों से लगती हैं, जिनमें पोलैंड, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तरी कोरिया शामिल हैं। रूस में क्योंकि आकार बहुत बड़ा है, उसका प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। तेल है, प्राकृतिक गैस है, यहाँ पे कोयला है और कई सामरिक खनिज हैं, बॉक्साइट है और धरती के दुर्लभ खनिजों का भंडार भी है। इमारती लकड़ी भी वहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, टिम्बर जिसको हम कहते हैं। हालांकि दूरी इलाकों का उबड़ खाबड़ होना और क्लाइमेट की दिक्कतें हैं, इसलिए रूस के संसाधन अभी तक दोहन से बचे हुए हैं। बड़ा निर्जन इलाका है, बहुत पेनल्टी ऑफ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। साल 1547 में प्रिंस इवान चौथे ने खुद को रूस का पहला शासक घोषित किया। साल 1812 में रूस ने 7 के यूरोपियन देशों के साथ मिलकर नेपोलियन को हराया। इसके बाद साल 1850 के दशक में रूस खुद क्रीमिया के साथ युद्ध हार गया। 1914 में पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी बाल्कन में रूस और ऑस्ट्रिया की दुश्मनी से। 1917 में लेनिन के नेतृत्व में वहाँ पे बोल्शेविक क्रांति हुई। 1945 में जर्मनी की हार के बाद कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई, जिसके एक ध्रुव पर था वेस्ट यूएस लेड और दूसरे पर था सोवियत संघ। 1953 में तानाशाह स्टालिन की मौत हो गई। उसके बाद कई सारे और तानाशाह या नेता आए। अंततः गॉर्बाचोव ने बदलाव लाने की कोशिश की और आर्थिक नीतियाँ जो कि ग्लासनोस्ट और प्रेस्त्रोइका थी, उनके बावजूद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और बचा रूस, जिसे हम कहते हैं रशियन फेडरेशन। रशियन फेडरेशन की आबादी है 14.5 करोड़ और इसमें महिलाओं की आबादी पुरुषों से 8% अधिक है, सिर्फ 14 करोड़। यूपी से आबादी इसकी कम है और एरिया में आप देखिए कितना बड़ा है। रूस की राजधानी बहुत लोग जानते ही हैं, मॉस्को है। रशियन वहाँ की आधिकारिक भाषा है, जिसे 85% से अधिक लोग बोलते हैं। इसके अलावा तातार और चेचन भाषा भी रूस में बोली जाती है। रूस की आबादी बाल्टिक सागर से लेकर दक्षिण में कैस्पियन सागर तक और पूर्व में कजाक सीमा में सबसे ज़्यादा बसी है। इसके अलावा बड़े हिस्से अलग थलग हैं और आमतौर पर दक्षिण में पाए जाते हैं। रूस की 75% से अधिक आबादी शहरों में रहती है। अगर रूस की आबादी का धार्मिक बंटवारा आप देखेंगे तो 72% वहाँ ईसाई हैं और 10% मुसलमान। रूस की करेंसी का नाम है रूबल। मॉस्को और नई दिल्ली के बीच अगर आपको यात्रा करनी है तो 4,340 किलोमीटर की दूरी आपको पूरी करनी पड़ेगी। रूस इतना विशाल है कि आपको यहाँ पे 11 टाइम जोन्स मिलेंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स अगर कहीं हैं तो रूस में ही हैं और रूस में 30,000 भारतीय भी रहते हैं। भारत और रूस के बीच टोटल व्यापार फिलहाल इस फाइनेंशियल ईयर में $13.1 बिलियन का हुआ, माने 1,87,000 करोड़ का। भारत ने सामान बेचा $3.3 बिलियन का, यानी 27,000 करोड़ का, और भारत ने सामान खरीदा $9.8 बिलियन का, माने 81,000 करोड़ का। तो मोटा माटी समझिए कि हमने खरीदा ज़्यादा और बेचा कम, इसे कहते हैं व्यापार घाटा। और ट्रेड डेफिसिट है 54,000 करोड़ का। इसका बड़ा कारण ये है कि हम रशिया से एनर्जी इम्पोर्ट करते हैं, गैस और तेल, लेकिन हम उस अनुपात में रूस को चीज़ें निर्यात नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा रूस में भारत का कुल इन्वेस्टमेंट है 1,24,000 करोड़ रुपए का, एक बड़ा इन्वेस्टर है। भारत में रूस का कुल इन्वेस्टमेंट है 1,49,000 करोड़ रुपए। भारत क्या खरीदता है वहाँ से? हथियार लेता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमने आपको बताया, खनिज संसाधन खरीदता है। क्या बेचता है? इलेक्ट्रिकल्स, दवाइयाँ, चाय और कॉफ़ी। ये हमने मेजर पॉइंट्स आपको बताए हैं और सारी चीज़ों का लेन देन भी होता है। सरकार कैसे चलती है? रूस में ताकत 3 हिस्सों में बटी बताई जाती है, राष्ट्रपति, सरकार और न्यायपालिका, लेकिन एक्चुअल इसका अलग है।
रूस में भी भारत की तरह राज्य होते हैं जिनकी अपनी सरकारें होती हैं। राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होते हैं, सेना के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। रूस में प्रधानमंत्री भी होता है जिसकी नियुक्ति स्टेट ड्यूमा की सहमति से राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन असली ताकत राष्ट्रपति के ही पास होती है क्योंकि उसका चुनाव होता है डायरेक्ट वोट से। तो रूस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, जाहिर है राष्ट्रपति इसीलिए बहुत ताकतवर होता है और पुतिन ने इस ताकतवर को ही नया अर्थ दिया है। रूस का पिछला राष्ट्रपति चुनाव 18 मार्च 2018 को हुआ था। गिनती के बाद 7 मई 2018 को व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति के रूप में अपने दफ्तर में कदम रखा। पहली बार नहीं, चौथी बार, ये चौथा कार्यकाल था। रूसी राष्ट्रपति के रूप में वो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं बीच में। रूसी सरकार के प्रमुख के तौर पर वहाँ प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ स्टेट व्लादिमीर पुतिन हैं। विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, पुतिन की अनुपस्थिति में उन्होंने ही ब्रिक्स में हिस्सा लिया था। G20 में भी वो ही आ रहे हैं क्योंकि पुतिन इन दिनों ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, लेकिन लावरोव भी वही करेंगे और कहेंगे जो पुतिन उनसे करने को या कहने को कहेंगे। रूस के इतिहास में स्टालिन के बाद सबसे ताकतवर नेता अगर कोई हुआ है तो वो है व्लादिमीर पुतिन। सोवियत संघ के विघटन के बाद बोरिस येल्सिन रूस के राष्ट्रपति हुए और उनके बाद साल 2000 में व्लादिमीर पुतिन, और तब से पुतिन सत्ता का केंद्र बने हुए हैं। इसके लिए पुतिन ने साम दाम दंड भेद हर चीज़ का सहारा लिया है। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को ख़त्म किया, रूस के प्रमुख उद्योगपतियों को अपने पाले में मिलाकर फ़ायदा पहुंचाया और बदले में उनके धन और प्रभाव का राजनीतिक इस्तेमाल किया, और इन उद्योगपतियों को कहते हैं ओलिगार्क्स। वैसे पुतिन वो घाघ नेता हैं कि कई ओलिगार्क्स को भी हजम कर चुके हैं वो। पहले रूस में नियम था कि एक व्यक्ति 2 ही कार्यकाल तक राष्ट्रपति रह सकता है। पुतिन ने अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए, फिर अपने विश्वासपात्र दमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाया और खुद बन गए प्रधानमंत्री। सत्ता की चाबी लेकिन उन्हीं के पास रही। फिर जब उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनना था तो उन्होंने नियम ही बदलवा दिया। पुतिन ने देश को अपनी मुट्ठी में बांधने के लिए न्यायपालिका, प्रेस और दूसरी संस्थाओं को क्रमशः कमजोर किया है। फिलहाल उन्होंने ये व्यवस्था कर ली है कि 2036 तक भी वो चाहें तो पद पर बने रह सकते हैं लीगली। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज रूस का सबसे ताकतवर शख्स एक आम मजदूर का बेटा है। पुतिन के पिता फैक्ट्री में मजदूर थे, जासूसों की कहानियां पुतिन को पसंद थी और वो वास्तव में KGB के जासूस थे भी, पूर्वी जर्मनी में तैनात रहे GDR में। बर्लिन वॉल जब गिरी तो कम्युनिस्ट GDR यानी जो पूरब वाला जर्मनी था, ईस्ट जर्मनी और जो कैपिटलिस्ट वेस्ट जर्मनी था, वो एक होकर दोबारा एक मुल्क बन गए। सो लेफ्टिनेंट कर्नल पुतिन वापस मॉस्को आए। सोवियत संघ के विघटन के बाद वो बोरिस येल्सिन के स्टाफ में शामिल हुए और सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते गए क्योंकि उनके बॉस से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रशियंस को ही नहीं थी। पुतिन इतने बड़े हो पाए उसमें सिर्फ उनकी मेहनत का ही रोल नहीं है, उन्होंने बड़े करीने से अपने इर्द गिर्द एक मिथक गढ़ा है। मॉस्को थिएटर में आतंकवादियों ने लोगों को बंधक बनाया तो पुतिन ने थिएटर में जहरीली गैस छुड़वाकर सैनिक अभियान चलवा दिया, संदेश दिया कि पुतिन सख्त कार्रवाई से नहीं डरते हैं। 2008 में पुतिन ने नई ट्रिक आजमाई, अलगाववादियों पर कार्रवाई के नाम पर जॉर्जिया पर उन्होंने हमला किया और उसके इलाके कब्जा लिए, आज भी रखे हुए उन्होंने। 2014 में पुतिन ने यूक्रेन से क्रीमिया को हत्या लिया, अगले साल दुनिया की राय की परवाह किए बिना सीरिया में बशर अल असद के पक्ष में फौज रवाना कर दी और उन्हीं के बदौलत असद बच पाए। इसी तरह पुतिन की सुपरमैन छवि गढ़ी गई कि 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर सीधा आक्रमण कर दिया तब वो इसी सुपरमैन छवि के भरोसे थे, सभी मानकर चल भी रहे थे। कई लोगों को डाउट था कि हफ्ते भर के भीतर कीव में रूसी फौज दाखिल हो जाएगी, लेकिन यह आक्रमण व्लादिमीर पुतिन के लिए किसी दुस्वप्न की तरह बन गया, ना उगल पा रहे ना निगल पा रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा बीत गया लेकिन रूसी फौज कीव में दाखिल नहीं हो पाई है, उसका नियंत्रण उन कुछ पूर्वी इलाकों तक ही सीमित है यूक्रेन के, जहां उसे स्थानीय नागरिकों का समर्थन मिला हुआ है। इस एक आक्रमण के चलते पुतिन के सामने जितनी चुनौतियां खड़ी हुई हैं उतनी पहले कभी नहीं देखी गई है। पूरा वेस्ट उनके खिलाफ गैल्वनाइज हो गया है नए तरीके से, उनकी सरकार के खिलाफ वैगनर की बगावत हो गई, G7 से रूस को बाहर कर दिया गया और दुनिया भर ने रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए। हालात इतने ख़राब हैं कि रूस को नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से मदद लेनी पड़ रही है, वहाँ से असला लेने की बात अभी की जा रही है। यूक्रेन की लड़ाई पुतिन के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है इस तरह, लेकिन वो इस परीक्षा में उतने भी अकेले नहीं है जितना बताया जाता है। रूस को चीन का
और पुतिन को जिनपिंग का साथ बहुत भारा है, और इसलिए जो पुतिन तरह तरह के बहाने बनाकर कभी साउथ अफ्रीका जाने से मना करते हैं तो कभी दिल्ली आने से रह जाते हैं, वो जिनपिंग से मिलने चीन जा रहे हैं। संयोग देखिए, जिनपिंग भी G20 समिट के लिए नई दिल्ली नहीं आने वाले। सामरिक संबंधों की बात कर लेते हैं, भारत और रूस के। रूस और भारत के बीच सामरिक संबंध अलग तरह से एक वीडियो का विषय हो सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है कि दुनिया में जब किसी ने हिंदुस्तान की मदद नहीं की, सोवियत संघ ने की, बाद में रूस ने की, चाहे वो रक्षा सौदों की बात हो, सामरिक महत्व के परमाणु कार्यक्रम हो, या फिर भारत का स्पेस प्रोग्राम हो, भारत की तीनों सेनाओं के पास मौजूद हार्डवेयर का जो ज़खीरा है, हथियारों का जो ज़खीरा है, उसमें रूसी हथियारों की तादाद बहुत बड़ी है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपना नौसैनिक बेड़ा भेजने की धमकी दी तो रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां वहां भेज दी थी बे ऑफ बंगाल में। अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में भी भारत और रूस का सहयोग लगभग 4 दशक पुराना है, उससे भी पुराना। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट सोवियत संघ ने लॉन्च किया था हमारे लिए, और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा को भी सोवियत संघ ने ही अंतरिक्ष में भेजा था। दोनों देश भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान में भी पार्टनर्स हैं। उम्मीद है कि साल 2024 के अप्रैल में ये मिशन लॉन्च भी होगा। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिहाज से रूस भारत का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र KKNPP इस क्षेत्र में भारत और रूस के बीच एक प्रमुख प्रोजेक्ट है। इसकी 2 यूनिट्स पहले ही चालू हो चुकी हैं। रूस और उससे पहले सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता रहा है, भारत के खिलाफ आए प्रस्तावों को वीटो करता रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में भारत लगातार शांति का आह्वान करता रहा है, बातचीत और कूटनीति के रास्ते की वकालत करता रहा है। भारत ने ये तो कहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्यों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन प्रतिबंध झेल रहे रूस की मदद भी की है, खास तौर पर तेल के व्यापार में जिससे उनको पैसा आ रहा है। इसका कॉन्टेक्स्ट हम आपको बता चुके हैं, भारत इसलिए रूस से किनारा नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे अच्छे और बुरे वक्त में रूस ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। चलते चलते कुछ फुटनोट्स भी हैं। रूस में दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, बहुत लोग जानते भी हैं नाम, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक 9289 किलोमीटर तक फैली है, लंबी है। रूस में विश्व का सबसे बड़ा जंगल भी है, टाइगा बोलते हैं। ये देश के 60% से अधिक भूमि के क्षेत्रों को कवर करता है, और दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा रूस के पास है नंबर्स के हिसाब से, नंबर ऑफ वॉरहेड्स में। दुनिया की सबसे गहरी झील लेक बैकाल भी रूस में ही है। ये था हमारा G20 लीडर्स समिट की 360 कवरेज का रूस वाला एपिसोड। इस एपिसोड को हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। इस एपिसोड के लिए रिसर्च की थी हमारे साथी दीपक तेंगुरिया ने, और कैमरे पर इसे पंकज ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए द ललन टॉक।